एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मासिक समीक्षा बैठक शनिवार को पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसपी क्राइम ने व्यापारियों की समस्याओं को सुनते हुए उसके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में व्यापारियों ने बताया कि कुछ जगहों पर अवैध कच्ची शराब की बिक्री की जा रही है, जिसे रोका जाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया द्वारा कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए व्यापारियों के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गश्त को बढ़ाने की मांग की। बैठक में एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने व्यापारियों की समस्या के समाधान के प्रति उन्हें आश्वस्त किया। बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया, अजय जायसवाल, दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे, अभिषेक निषाद, नर्मदा श्रीवास्तव सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, 50/2020 और एक मुकदमा है 672/2020, दोनों में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये 17/9 कुछ बाकी जब आप आए जिनके तो मैं बीच में भूल जाता हूँ मोबाइल के संबंध में। मैंने वो बिहार में जानता रहा था कि कहाँ जाकर फंसा हुआ है, मैं जानकारी तो मिल गई थी लेकिन उसको लगे उसको नाम आ रहा इसी बने अभी याद आ रहा है उसमें हमारे अरे भैया शादी साल का 48 है, पत्नी व्यवस्था का मोबाइल था 48,000 रुपये का, और उसके बाद तब फिर हमको गिफ्ट लेना पड़ा। सर ये बैठक के संदर्भ में आज ये व्यापारिक सुरक्षा प्रकोष्ठ की मासिक गोष्ठी इसमें आयोजित की गई है। ये मीटिंग प्रत्येक माह इसका आयोजन होता है और डीजीपी साहब और ये शासन की मर्जी के अनुसार इस मीटिंग का आयोजन प्रत्येक माह किया जाता है। और आज व्यापारिक सुरक्षा प्रकोष्ठ के मीटिंग में कुछ अवैध दारू के संबंध में बातें प्रकाश में आ रही हैं, जहाँ पर ये जैसे रजाई कैंप के पास बता रहे हैं कि वहाँ पर ये सुबह से भी और ये शाम को भी अवैध तरीके से इसका बिक्री करते हैं। इसी तरह से कुछ और भी जो शिकायतें आ रही हैं उसके बारे में और पिछली शिकायतों के संबंध में अवगत कराया जा रहा है कि क्या 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 हुआ उसमें जो समस्याएं आई। तो व्यापारी बंधुओं संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, जो भी शिकायतें हैं, जिसमें पुलिस की सहायता की आवश्यकता होती है, तो उसी के संबंध में गोष्ठी इसमें चल रही है।